भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में दिसंबर महीने में हर साल मुशायरे का प्रोग्राम आयोजन किया जाता था। दरअसल ये प्रोग्राम कलबा मुमरा के विधायक जितेंद्र रावत के तरफ से और शमीम खान के तरफ से जो है इसका आयोजन मुमरा के मित्तल ग्राउंड में किया जाता था। लेकिन आज विधायक जितेंद्र रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस तरह से इसराइल जो है फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, वहाँ पर जिस तरह से हमले जारी हैं, अब तक जो है सैकड़ों बेगुनाह इस हमले में मारे गए हैं। इसराइल फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है और जिस तरह से वहाँ पर बर्बरता की जा रही है, ऐसे में मुमरा शहर में मुशायरा करना ये उचित नहीं है और इसीलिए इस मुशायरे को जो है कैंसिल कर दिया गया है। विधायक जितेंद्र भाट ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में पूरे मुमरा शहर के लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा जो है दुआ फिलिस्तीन के हक में मांगी जाएगी। साथ ही शमीम खान ने भी बताया कि जिस तरह से फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है और फिलिस्तीन के जो बेगुनाह लोग हैं जो मारे जा रहे हैं, और इसी वजह से जो है एनसीपी पार्टी अब ये मुशायरा इस साल नहीं करेगी, क्योंकि जब माहौल खुशनुमा होगा तो उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि आगे करना है या फिर अगले ही साल मुशायरा करना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस दिसंबर के महीने में जो 23 या 24 दिसंबर को मुशायरा होता था मित्तल ग्राउंड में, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। विधायक जितेंद्र रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा और शमीम खान ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। नहीं और बोल देना हम फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन ली गई है और इसराइल उनकी ज़मीन लेके उन पे ही दादागिरी कर रही है, तो ये है जो बहुत गलत मामला है। उनकी ज़मीन उनको वापस दे दो, मामला वैसे ही निपट जाए। ये खुद पवार साहब ने कहा था। तो हमारे अपने पार्टी की भूमिका रही है कि हम फिलिस्तीन के मामले में फिलिस्तीन के साथ आज से नहीं, नेहरू के ज़माने से, महात्मा गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा भाषण है कि इसराइल ने कैसे इधर घबरा के रखा है सबको। तो ये भारत की परंपरा रही है और पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध शुरू हो गया और भारत की भूमिका अचानक बदल गई और उन्होंने कहा कि हम इसराइल का समर्थन करते हैं। किसने? मोदी साहब ने कहा कि हम इसराइल का समर्थन करते हैं, पर चार दिन में उन्होंने यह बयान वापस लिया, क्योंकि भारत की जो परराष्ट्र भूमिका है, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत जो आता है फॉरेन रिलेशंस, वो फॉरेन रिलेशंस में ये बैठता नहीं था। तो उन्होंने फिर उनके जो मिनिस्टर थे शिवशंकर, उन्होंने एक बयान दिया कि हम इसमें फलस्तीन का साथ देंगे, और उसकी गलती हो चुकी थी कि मोदी साहब ने बोल दिया था कि हम इसराइल का साथ देंगे। पिछले तीन दिन से बहुत बम फेंके जा रहे हैं, पानी की, खाने की सभी किल्लत है वहाँ पे। अभी तक बहुत लोग मारे गए और इंटरनेशनल नॉर्म्स है, युद्ध के कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि किसी सोसाइटी के ऊपर, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं ऐसे एरियाज पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल पे बमबारी नहीं करनी चाहिए, मस्जिद, चर्च, मंदिर पे बमबारी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे
सभी देशों ने सही करके दस्तखत करके ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो यूनाइटेड नेशंस में है, पर इसराइल ने सभी मर्यादाओं के का भंग करके हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग किया, स्कूल पे बॉम्बिंग किया। यानी अभी तक किसी भी लड़ाई में 5,000 बच्चे मारे नहीं गए। ये पहली ऐसी दुनिया की लड़ाई है 1950 के बाद जहाँ 5,000 छोटे बच्चे मारे गए। और हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है कि ये इनको जब जर्मनी में तकलीफ हुई और जर्मनी से ये भाग निकले तो इंग्लैंड ने एक छोटी सी ज़मीन इनको दी थी कि भाई तुम यहाँ आके निर्वासित हो तो यहाँ आके रह सकते हो। ये निर्वासितों ने पिछले कई सालों में फिलिस्तीन की जितनी ज़मीन थी उसमें से 90% ज़मीन पे अपना कब्ज़ा बोल लिया। हालांकि जेरूसलम भी फिलिस्तीन के ही हाथ में था, उसके ऊपर भी आज इसराइल का कब्ज़ा है जहाँ पे अक्सा मस्जिद अक्सा है। तो ये सब देखते हुए हमारा, मेरा, शमीम भाई का, शानू भाई का, सब लोगों की बात हुई थी भाई साहब की कि अपन मुशायरा करेंगे, हर साल अपना होता ही है और बड़े पैमाने पे होता है, ऐसा नहीं कि छोटा करते हैं। पर जब पूरे देश में, मुझे देश से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, इंसानियत की जब इतनी बड़ी हत्या हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तब हम खास करके मुस्लिम हलके में मुशायरा करें तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी के दिल में दुख है कि हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पैसे भी दे दिए थे शायर लोगों को, 20-22 लाख रुपया काम भी चालू था, ग्राउंड का सब कर दिया था। पर कुछ लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद, कुछ उलमाओं से सलाह मशवरा करने के बाद एक ऐसा मुझे तो लगा कि भाई ये कैंसिल कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा, दिन आएंगे जब हम इसको मनाएंगे। लेकिन अभी के हालात में जब वहाँ गाज़ा में हो, रामल्ला में हो, जब लोग रो रहे हैं, तब हम उनके गम में शामिल होना का चाहिए। और हम जल्दी एक दुआ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और पूरा मुमरिया को वहाँ आमंत्रित करेंगे और फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी दुआ रखने वाले हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा मित्तल ग्राउंड के अंदर कुल हिंद मुशायरा आज कम से कम 12 से 13 साल से लगातार होता हुआ आ रहा है। कुछ दिनों के पहले कोरोना काल के हालात, 3 साल तकरीबन मुशायरा नहीं हो सका। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो बीमारी हमारे बीच में थी वो दूर हो गई हमसे, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस बार हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने जो हमारी मुशायरा कमेटी है उसको ये आदेश दिया था कि आप लोग इस मुशायरे को इस बार और कोशिश करके इसको अच्छा कामयाबी लाओ। उस तरीके से जो मुशायरे की हमारी लिस्ट तय हुई थी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, नेहा राठौर, हासिम फिरोजाबादी, अबरार कासिफ, नदीम फर्रुख, साहिस्ता सना, ऐसे बहुत सारे, नदीम साद, तकरीबन 14 से 15 शायर और शायरात की लिस्ट तय हुई थी। यहाँ तक कि मुशायरा ग्राउंड में सौरभ भाई काम चालू हो चुका था, लेकिन जो 3 से 4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के अंदर, देखिए काफ़ी दिनों से वो चल रहा है, लेकिन 3 से 4 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर जो फिलिस्तीन की हालात है, बमबारी है, तो ऐसी हालात में हम लोग यहाँ मुशायरा करें ये बात का हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने इस पे, और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने, शानू पठान जी ने और हमारी मुशायरा कमेटी ने ये तय किया
कि इस बार हम लोग इसको पोस्टपोन करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे जैसे भी खुशगवारी का माहौल होगा, अच्छे हालात होंगे, इंशाअल्लाह ताला मुमरा गौसा के अंदर जो मुशायरा कुल हिंद मुशायरा के नाम से हिंदुस्तान का बड़ा मुशायरा होता था, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा।